उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस संक्रमण के बढ़ने का कारण आम नागरिक द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही ही है। इसलिए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलेगा तो उस पर कम से कम 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना भी करनी होगी। अहम पहलू यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को कोरोना सैंपल की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित व्यक्ति को बताना सुनिश्चित करना होगा। इस जिले में किसी भी कीमत पर कोरोना को आगे बढ़ने से रोकना होगा। उपायुक्त आज स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में कोरोना से संबंधित मामलों को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि रोजाना कोरोना की रिपोर्ट जिला कुरुक्षेत्र के कोविड-19 डैशबोर्ड पर अपडेट करें तथा जिस व्यक्ति का सैंपल ले उसे 24 घंटे के अंदर सूचना दें। इसके साथ साथ संबंधित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के सैंपल जल्द से जल्द लें, ताकि कोविड की बढ़ती वेव को रोका जा सके। जो व्यक्ति बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं उनके चालान करें तथा लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। उन्होंने कहा कि जिस भी क्षेत्र में कोरोना का मरीज मिलता है उस क्षेत्र को तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके लिए संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट व संबंधित अधिकारी संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण करें। उपायुक्त ने सभी मंडल उपमंडल अधिकारियों को कहा कि अपने अपने क्षेत्र में रोजाना कंटेनमेंट जोन में निरीक्षण करें तथा रोजाना संबंधित अधिकारियों की बैठक लें। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर सुखवीर सिंह को कहा कि जो भी व्यक्ति सैंपल देता है उसको बताएं कि उसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और जब तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए। उन्होंने आयुष विभाग के अधिकारियों को कहा कि लघु सचिवालय में तथा मुख्य स्थानों पर शिविर लगाए। उन्होंने DDPO प्रताप सिंह को निर्देश दिए कि गांव स्तर पर बैठक करें तथा हर सोमवार को वैक्सीनेशन डे से संबंधित बुनियादी करवाएं। इसी प्रकार उन्होंने नगर परिषद के सचिव KL बठला को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक बुनियादी करवाएं। उपायुक्त ने ADCC को कहा कि कोरोना से संबंधित मामलों को लेकर सप्ताह में अधिकारियों की बैठक ले। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिले में कुल 37 अस्पतालों में कोरोना के टेस्ट लिए जा रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दें। जिले में अभी तक करीब 37,420 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने सभी SMO को कहा कि जैसे ही किसी व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे तुरंत प्रभाव से फोन करें। इसके अलावा फोन नंबर 1950 से रोजाना 50 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को फोन करवाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर SP हिमांशु गर्ग, ADC प्रीति, SDM अखिल पिलानी, SDM कपिल शर्मा, SDM अनुभव मेहता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अखिल पिलानी, SDM थानेसर। जैसा कि अब सब जानते हैं कि कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा कुरुक्षेत्र के निवासियों से ये अनुरोध है कि आप अपना ध्यान खुद रखें, सब लोग मास्क पहने, सब दुकानदारों को और मैरिज पैलेस ओनर्स को और सब जो गैदरिंग्स होती हैं उनको सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। ये हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे केसेस कम होंगे। और एक और बात है कि स्कूल के बच्चे